इंस्टीट्यूट। यहाँ पर सब कुछ है, हमें डीपीपी सॉल्व करने के लिए मिलता है, प्रैक्टिस पेपर असाइनमेंट जो मंथली मिलता है हमें सॉल्व करने के लिए। एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, पढ़ने में मजा आता है। एलिट इंस्टीट्यूट, फर्स्ट फ्लोर, जगदम्बा टावर, बोर्डिंग रोड, पटना। असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रतीक इस एलिट संस्थान को नमन करता हूँ। एलिट संस्थान के वैद्यमान प्रतिष्ठा तथा उसमें आप सबों की शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। वह वटवृक्ष जिसकी छाव में यह संस्थान परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता अभिभूत और जीवन सौंदर्य के पारखीय माननीय संस्थापक महोदय को नमन करता हूँ। शिक्षा रूपी जल से इसे सींचने वाले विद्वत शिक्षक समाज को नमन करता हूँ। एलिट संस्थान की वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास तथा उसमें आप सबों की शिक्षा के प्रति सुनहरे भविष्य की उत्साहित और अनुशासित प्यास को नमन करते हुए नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप सबों में श्रोता बनकर सुन रहा है तथा इस सभागार के कण कण में विद्यमान है। मंचस्थ विद्वत समाज और देश के छलनीय हुए जिगर को मरहम लगाने की एकमात्र आशा स्थल, प्यारे साथियों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझे आप सबों के समक्ष आज अपनी बातों को रखने का अवसर मिला है तथा उन बातों से भी अवगत कराने का अवसर मिला है जिससे भारतीय समाज का अभिन्न जुड़ाव है। जी हाँ, मैं आप सबों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं एलिट में इसकी अतुलनीय पहल के का विस्तार आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। भारत का भविष्य यहाँ की बीज रूपी छात्र एवं देश के युवाओं से संबंधित है, किंतु वर्तमान परिवेश में छात्रों को ना ही उचित अनुकूलता मिल पा रही है और ना ही युवाओं को श्रेष्ठ आदर्श मिल पा रहा है। पश्चिमी सभ्यताएं भारतीय संस्कृति एवं सभ्यताओं को दिन प्रतिदिन दूषित करती जा रही है जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हैं। यहाँ की शिक्षा प्रणाली को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया, अब इसमें पौराणिक शिक्षा प्रणाली का साक्ष्य भी अवशेष नहीं रहा। समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है, किंतु यह परिवर्तन ऐसा ना हो कि व्यक्ति अपनी मूल सभ्यता एवं संस्कृतियों को भूल जाए। इतिहास गवाह है कि भारतीय छात्रों का जीवन संघर्षों से परिपूर्ण था। उस संघर्ष में भी विशिष्ट आनंद की अनुभूति होती है जिससे व्यक्ति का निर्माण संभव है। मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। जिस प्रकार किसी बीज के अंकुरण, उसके वृद्धि, स्थायित्व, फल फूल सहित संपूर्ण वृक्ष बनने में उपजाऊ मिट्टी, नियमित जल तथा उचित वातावरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को अपने निर्माण के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही सकारात्मक वातावरण से अभिभूत एलिट संस्थान बीज रूपी छात्र को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने में अग्रणी है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं अपितु अपनी शक्ति का सही उपयोग एलिट के माध्यम से संभव है। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही हमारा भारत पुनः यशस्वी होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, बस इतनी है कि हमारा पथ प्रशस्त हो, दक्ष उन्नत हो, गति अबाध रहे, संगच्छत्वम संवदत्वम सर्वो मनानसी जानताम का मूल मंत्र कभी विस्मृत ना हो। आप सबों की मेहनत, आपके संरक्षण इस संस्थान में, आपकी प्रतिष्ठा, निष्ठा और आपके सृजन और सक्रिय नेतृत्व से संस्कारों की नींव पर समर्पण के खंभों के सहारे सौम्यता के साथ खड़ा यह एलिट संस्थान अपनी आस्था और विश्वास के साथ सदैव पुष्पित और पल्लवित होता है। आप सबों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एलिट इंस्टीट्यूट टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाते हैं। एलिट इज द बेस्ट। एलिट इंस्टीट्यूट, बोर्डिंग रोड, पटना।